से तेरी करते हुए थक के सो जाता हूँ सहर आसमां जा रे कहाँ मुड़ जाती है देखते देखते तुझे ये गलियाँ तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों से मिले सुनी रही जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ सुनी रही जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ खूबसूरत कोई जिसमें जैसे अजंता की मूरत कोई जिसमें जैसे निगाहों पे जादू कोई जिसमें नगमा कोई जिसमें खुशबू कोई जिसमें जैसे मचलती हुई चांदनी जिसमें जैसे के खिलती हुई रागनी जिसमें जैसे पहली किरण जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिल का शोध लशी संदली संदली मरमरी मरमरी उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशे आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन आफरी 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 आफरी
absolutely beautiful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum khawateen o hazrat. Ek hasti muskurati surili subah mein hum aapko welcome karte hain morning with Juggun mein aur hamare saath jaise ki aap dekh rahe hain one of my favorite young artists, very very talented, very very brilliant. MashaAllah, Sherry Khan hamare saath hain. Assalamu alaikum. Kaisa mera bachcha? Bilkul theek thaak. Aapko to dekhiye aur fresh ho jati hain. अच्छा जैसे कि वो जो कहते हैं ना वो जो स्प्रे नहीं करते फलों के ऊपर जब हम जरा ए लग रहे होते हैं लाइव नहीं है इतनी सुबह सुबह फ्रेंडली होती है तो माशाल्लाह आपको देख के एनर्जी आती है हमें भी थैंक यू मेरा बच्चा दैट इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट आई होप कि हमारे व्यूअर्स का भी यही ओपिनियन हो आपके साथ हमारे बहुत ही ब्रिलियंट बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं आज हमें क्रिस्टोफर ने भी ज्वाइन किया है ऑन द गिटार अस्सलाम वालेकुम क्रिस्टोफर And then of course इनके साथ मेरे फेवरेट मोहसिन भाई भी हैं and ढोलक पे हमारे साथ राजू हैं and कीबोर्ड पे सुहेब हैं वेलकम गाइस वेलकम कहने की क्या ज़रूरत है आपका अपना ही घर है मैं आती जाती रहती हूँ आप लोग तो हमारे ही हैं ओके सो व्यूअर्स ये तो हमने सोचा कि एक पॉजिटिव और हैप्पी नोट पे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और हु बेटर देन शेरी खान टू डू दैट विद अस अब बढ़ते हैं आज जो एजेंडा पे बड़ी ज़रूरी बात करनी है जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट के जो फैंस हैं जो आइकीन हैं वो तैयार हो जाए क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग PSL 7 जो है वो इंशाल्लाह 27 जनवरी से शुरू हो जाएगा PSL 7 के तमाम मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे के स्टेडियम्स में खेले जाएंगे शायकींस क्रिकेट इस PSL के इस्तकबाल का बहुत पुरजोश अंदाज में इंतज़ार भी कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक कोविड और इन सब सिचुएशंस और हालात की वजह से काफ़ी एक डिप्रेसिव माहौल रहा है और मुझे खुशी इस बात की हो रही है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन कि इस बार मतलब फुल स्ट्रेंथ पे स्टेडियम्स के टिकट्स नहीं सेल किए जाएंगे लेकिन एक सर्टन मकदार के जो है लोग आ सकते हैं या कि लोग स्टेडियम में भी आके मैच देख सकते हैं अदरवाइज ऑफकोर्स घरों में बैठ के तो सारे देख ही सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीनस पे अपने फ़ोन्स पे अपने वेरियस ऐप्स पे सो ऑफ़ कोर्स एक और चीज़ का ख़ास ख्याल करना है अगर लाहौर कराची के जो लोग हैं और अगर इर्द गिर्द के लोग भी अगर जाते हैं मैच देखने के लिए तो सर्दी का ख़ास ख्याल करना है क्योंकि अभी भी लाहौर में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा सर्दी है सो गर्म कपड़े पहन के जाना है अपने आप को वार्म रखना है देखिए जो स्टेडियम में मैच खेल रहे होते हैं क्रिकेटर्स क्योंकि वो इतनी भाग दौड़ कर रहे होते हैं उनका टेम्परेचर वैसे ही हाई हुआ होता है सो आपने उनके मुकाबले में आके सिर्फ टी शर्ट पहन के यू नो PSL की ना आए PSL की जैकेट ले लें वो पहन के आ जाएं और गर्म कपड़े ज़रूर पहन के आएं अंडर वगैरह लेयर्स वगैरह अच्छा जब हम सर्दी की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले मेरी जो फेवरेट पर्सनालिटी हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं हर्बलिस्ट हैं ब्यूटी एक्सपर्ट हैं नैयर आपा तो आज मिसेज नैयर ज़िक्रिया भी हमें ज्वाइन करेंगी वो हमें सर्दियों के रिलेटेड गाइडेंस देंगी देन एक और बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ छूले आसमां एक फिल्म बहुत ही अमेजिंग सी आज ही बल्कि आज 27 हाँ 25th है तो 25th को ही आज रिलीज़ होने जा रही है इट्स एन अमेजिंग फिल्म इस फिल्म के बारे में भी आपको बताएंगे कास्ट से भी आपकी मुलाकात कराएंगे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फिल्म का बट टोटल फैमिली एंटरटेनमेंट है और बड़ी मोटिवेटिंग फिल्म है सो उस फिल्म से रिलेटेड भी हम बात करेंगे एंड देन ऑफकोर्स जब ये सब बातें कर रहे हैं तो अपने पान मुनीर को मैं कैसे भूल सकती हूँ तो आए जरा मुनीर भाई के पास चलते हैं वैसे बेचारी शेफ मुनीरा का नाम बिगाड़ने में मैं सबसे टॉपो टॉप जाती हूँ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ये तो आपका प्यार है जुगन कि मैं आपको तंग करती रहती हूँ बस ऐसे ही मुनीरा सर्दियाँ अभी तक तो आपका मेन्यू बिल्कुल अमेजिंग जा रहा है आज भी बहुत अमेजिंग है जैसे कि आपको मालूम है कि सर्दियों में फ्राइड चीज़ें गर्मा गर्म चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो मैंने सोचा कि जैसे कि सब ने मुझे कल किसी ने मुझसे पूछा कि मुनीरा आपने वो चीज़ें बना रहे हैं जो कि हर कोई नहीं ले सकता जैसे फिश आपने बताई तो वो चीज़ भी बताएं जो हर कोई बनाए और मौसम को इन्जॉय भी करे तो मैंने सोचा कि आज कल तो रोटी चावल मुश्किल हो गए आज मैं बना रही हूँ कड़ी बनेगी और साथ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसके बनेंगे पकौड़े जिसमें गोभी का पकौड़ा पालक का बैंगन का प्याज का तो वो आज वैरायटी होगी और साथ में इसको राइस के साथ भी आप खा सकते हैं आप इसको अपने ब्रेकफास्ट के अलावा जैसे कि आपका लंच टाइम होता है आप उसमें इसको खाएं कड़ी पकौड़े को साथ में जैसे कि आपको मालूम है कि आप इसको राइस के साथ खाएं रोटी के साथ खाएं और एक कंप्लीट जुगन ये मेन्यू अच्छा पता है बचपन में जो चीज़ें आप खाते हैं ना बड़े होते हुए वो आपको लगता है कि वही एक मामूल है और वही सबसे एक नॉर्मल चीज़ है अब बचपन में कड़ी और पकौड़े जो हैं वो हमेशा से चावल के साथ हमारे घर में खाए जाते थे बट मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिली हूँ
जो कहते हैं जी हम रोटी के साथ खाते हैं कड़ी, चावल के साथ कौन खाता है कड़ी, तो मैं हैरान हो जाती हूँ। मोस्टली जो लोग पसंद करते हैं, अच्छा पाए पाए जो होते हैं, सिरी पाए जो होते हैं, अब लोग जो हैं वो, मैंने तो हमेशा से उसको वो नान के साथ खाया है, वो कुलचे के साथ, तिलों वाले कुलचे के साथ, अच्छा, और मैंने हमेशा नींबू पर डाल के खाया। अब हर बंदा जब मैं नींबू डालने लगती हूँ तो अजीब सी हैरान हबरनक सी शक्ल हो जाती है, और बहुत से लोग पाए जो हैं वो सफेद चावलों के साथ खाते हैं। ये क्या साइंस भी नहीं, साइंस है। कराची वालों, आलू चिकन बनानी छोड़ दो, ये आलू गोश्त की बेहरमती है। मैं बहुत ज्यादा इस बात पे गिला करती हूँ, और लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हें आलू चिकन से, चिकन और आलू की कॉम्बिनेशन नहीं है, रोस्ट चिकन बनानी है उसके साथ आलू खा लो, बट आलू गोश्त खाया हमेशा हमने, चाहे चाहे मटन हो या बीफ हो, बट चिकन एंड आलू। एक्चुअली वही बात आ जाती है कि सबको आप इतनी वेरिएशंस फूड में आ चुकी है जुगन, कि आप हर किस्म की वेरिएशन के साथ आप उसको ट्राई करते रहते हैं। बिल्कुल, वरना पहले तो आपको मालूम है कि दो तीन ही डिशेज होती थी, जैसे पुलाव हो गया, कोरमा हो गया, बिरयानी भी इसकी एक वर्जन आई है। अच्छा मैं, हाँ बिल्कुल सही। और बाय द वे फाइनली कड़ी पकौड़े में भी बहुत ये ट्राई कीजिएगा आप लोग जरूर, कि आपने नॉर्मल जो पकौड़े हैं वो तो बनाए ही, जिसके अंदर कुछ लोग आलू डालते हैं, बहुत से लोग जो है प्लेन पकौड़े बनाते हैं और उसके अंदर डालते हैं। अच्छा, उसके साथ फ्राई हुए हुए बैंगन के, पालक वगैरह के पकौड़े साइड पे उसके साथ खाएं, तो बड़ा मजे का एक क्रंच ऐड हो जाता है। और मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगी, जब भी आप कड़ी बनाते हैं तो उसमें कई लोगों को समझ नहीं थी उसको बनाना कैसे, जैसे मैंने एक बहुत ही सिंपल है कि आप जब भी दही आपकी लेफ्ट ओवर हो, जैसे दो तीन दिन पुरानी, उसको अच्छी तरह से आपने उसको अपने उसके लम्स पूरे निकालने के बाद उसमें चीजें ऐड करनी है, फिर आपने उसको पकने के लग देना, ये मेरा तरीका है। बिल्कुल, अदरवाइज और भी लोगों को डिफरेंट बना सकते हैं। कड़ी के तरीके की तरफ बाद में आऊंगी, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नैयर आप हमारे साथ होंगी, बहुत जरूरी है जानना कि सर्दी के मौसम में वो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखने के लिए। फिल्म की कास्ट से भी मुलाकात होगी, एंड ऑफकोर्स शेरी तो हमारे साथ ही है, घर का बच्चा बच्चे बराबर। ब्रेक के बाद मिलेंगे। सांसों में है बर्बा है शोर वोर है, तोड़ जोड़ शुरू होती है परवाना बा, नजरे टिकी सांसें रुकी, उठा ले फिर आवाज, अंदेशा ये तूफान। सांसों में है बर्बा है शोर वोर है, तोड़ जोड़ शुरू होती है परवाज, हवा में उठा ले हौसला, दिलों का बढ़ा ले, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या अमेजिंग ये PSL का एंथम रिलीज किया है आई एम अ बेग ने, एंड ऑफकोर्स द ब्रिलियंट जीनियस आतिफ असलम, बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त भी हैं और जेन्यूनली बहुत ही टैलेंटेड इंसान, और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे और प्यारे शख्सियत। सो अमेजिंग एंथम सुना है आपने? मैंने सुना, बड़ा एंजॉय भी किया, रिलीज हुआ, वायरल ही हो गया। अच्छा, और मुझे ये, बाय द वे, ये नया ढंग और नया रंग जो है आतिफ के परफॉर्म करने का अच्छा लगा है। इन वैसे भी PSL पे एंथम ना रिलीज हो तो वैसे ही लगता है कि जैसे PSL शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल इस तरह ही, और बहुत मजे का एंजॉय करने वाला है, आपके अंदर बड़ी मोटिवेशन आती है। ओए पापा, अस्सलाम वालेकुम। हां जी, मैं भूल ही गई ना कि हम पहले मिल गए हैं तो ऑनर भी मिलना होता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नैयर, आप क्या बना रहे हैं हम आज? हां जी, जिस तरह से जो, क्योंकि इन सब ने जाना भी है, बाहर मैचेस भी देखने। अच्छा, अगर नहीं भी जाएंगे स्टेडियम में तो अब बहुत से लोगों ने करना शुरू कर दिया कि भाई अगर बहुत सी कंपनी को बुलाना है तो बाहर बैठ के मैच देख लेते हैं। तो लाहौर मुल्तान इन एरियाज में जहाँ पे सर्दी ज्यादा है, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इवन कराची में रात को काफी सर्दी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह से ही है, बी केयरफुल। हाँ जी, मेन चीज ये है कि आप जिस तरह से सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, कोरोना वायरस और इस तरह के कोई भी बैक्टीरियल या इन्फेक्शनल जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है खासकर सर्दी के मौसम में, तो मेन चीज़ है कि आप अपने इम्यून को जो है वो बूस्ट करें। इस तरह ये पिनिया लाई है आप? ये पिनिया है जुगन, आज से पहले हमने जो है वो अलसी की और चावलों को के आटे की, ये फर्स्ट टाइम मुझे कल देहात गांव से आया है तोहफा, ये है उसकी मेथरे की, मेथी दाने की बनी हुई है। सो नाइस। हाँ जी, और बहुत मजेदार। मुझे तो पिनिया कहीं नजर आ जाना। अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आलू गोश्त होता है, आलू चिकन ही होता। हाँ जी, बचपन की जब बात करें, हाँ जी, तो पिनिया। हाँ जी, तो आप देखें कि देहात वगैरह में, गाँव में जो लोग हैं, जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं, अलसी की और इस तरह की पिनिया जो है वो लाजमी बना के रखते हैं, ताकि जो है ना, जो भी हैं बच्चे हैं बड़े हैं,
वो नाश्ते के अंदर जुगन इसको जो है वो प्रेफर करते हैं। और कितनी प्यारी नैयर आपा हुआ करती थी कि मुझे भी सर्दियों में पिनियां देती थी। पिनियां नहीं मिली मुझे। हाँ जी ऐसे इसलिए जल्दी मैंने पिनियां देखी, मैंने कहा इससे पहले कि आपा कुछ बोले फौरन निकालो। अच्छा जुगन ये मेथरों की है। मेथरा क्या होता है? जो अचार के अंदर डालते हैं ना मेथरे, मेथी दाना। हाँ जी उसका टेस्ट है, क्योंकि जो मेथरे हैं ये शुगर को, डायबिटीज को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, और बहुत ज़्यादा अगर सर्दी है, सर्दी में जो है वो आपकी बॉडी को जो है ये एनर्जाइट और वार्म भी रखती है। ओके अच्छा, आपने पानी उबलने के लिए रखवाया है? हाँ जी। अच्छा इसके लिए जो है वो मैं क्योंकि हम लोग लोजिंजेस और इस तरह की काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम्स में चीज़ें शेयर कर चुके हैं। अच्छा जुगन मार्केट में जो है ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ऑलिव ये जैतून के पत्ते, जैतून के पत्ते, ये आप अगर एक कप पानी है तो इसमें जो है वो 5 से 6 पत्ते आप डाल दें। ये इम्यून को बूस्ट करने के लिए जुगन बहुत जबरदस्त है। हम कहवा बना रहे हैं? हाँ जी ये कहवा बना रहे हैं। फौरन इसने कलर छोड़ना उसने। हाँ जी और इसके बाद इसके अंदर जो है वो किन्नू, आपको पता है ऑरेंज बहुत ज्यादा जो है वो सर्दी के मौसम में आते हैं, इसके अंदर थोड़े से आप इस तरह से किन्नू को छिलके छिलके बिल्कुल। सारा दिन लोग घर में बैठ के अपने जो है ना वो किन्नू को छील छील के खा रहे होते हैं और छिलके फेंक देते हैं। मुझे इतना अफसोस होता है क्योंकि आप भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मैं भी बनाती हूँ, और क्या आपको पता है कि किन्नू के छिलके के अंदर इतनी अफादियत होती है, इतने बेनिफिट्स होते हैं, हम उनको वेस्ट। एक तो इसके अंदर विटामिन सी एड हो जाएगा, दूसरे नंबर पे इसका अरोमा जो कि बहुत रिलैक्स करेगा, रिफ्रेश करेगा, और इसके अंदर भी एसेंशियल ऑयल होता है जुगन इसके छिलकों के अंदर। इसको जब आप पीते हुए इसको इनहेल करेंगे, कोई भी आपको फ्लू है, नजला है, जुकाम है, कंजेशन है, ये उसको खोलेगा। और आप ब्राइटनिंग, आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए कितना काम है? अच्छा शहद इसमें कितना डालें? हाँ जी शहद 1/2 टीस्पून डालें, ज़्यादा ना डालें। अगर कोई डायबिटिक है तो वो इसी तरह से लें, कुछ भी ना लें, मीठी चीज़ ना ऐड करें उसके अंदर। तो बस ये अगर आप जो है वो दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ले लेते हैं, बहुत सस्ते हैं ये पत्ते और आम मार्केट में जो है ये मिल जाते हैं, तो 2 या 3 दफ़ा अगर आप ये सारे दिन में नीम गर्म कहवा ले लेते हैं तो आप देखें कि आपको जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू किसी भी तरह से जो है वो ठीक नहीं हो रहा, इसके साथ ठीक होगा। और अगर आपको फ्लू नहीं है, ठंड है, डर है कि फ्लू हो ना जाए, तो आप इसको लेंगे तो आपको फ्लू नहीं होगा। हाय आजकल प्लीज ये जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया हुआ है कोविड में, मैं तो यही कहती हूँ, मैंने आपको पता है यूजुअली मैं ऑरेंजेस खाती हूँ, अब मैं दिन का एक किन्नू खा भी रही हूँ और साथ में एक ग्लास जूस भी पी रही हूँ उसका निकाल के विद फल। हाँ जी बहुत जबरदस्त, मतलब और घर का फ्रेश निकला हुआ, डब्बों वालों को पीना छोड़ दे। अच्छा अच्छा इसको निकाल ले जुगन। और एक मैं बहुत जबरदस्त जो है वो रेमेडी शेयर करूंगी के बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह ले ली और बहुत ज्यादा जो है वो कंजेशन है, नजला है, जुकाम है, फ्लू है, एंटीबायोटिक्स वगैरह आप ले रहे हैं किसी भी तरह से जो है वो आपका जो है वो अगर फ्लू ठीक नहीं हो रहा तो बच्चे खासकर करने वाले हैं चीज़। हाँ जी खासकर जुगन ये मैं आपको क्लियर बोल में डालने का एक तो रीजन ये है कि मुझे कप नहीं मिल रहा। हाँ दूसरा रीजन ये है कि आपको नजर आ जाना चाहिए कि इसका इस किस्म का कलर निकल आएगा। हाँ जी राइट। हाँ जी अब इसके अंदर हम पानी लेंगे जुगन, जो छोटे बच्चे हैं, 6 मंथ का बच्चा है, साल का बच्चा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं देनी, बहुत ज्यादा कंजेशन हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा उन्हें जो है बाहर घर का प्रॉब्लम है, बाहर फ्लू को जो है वो बाहर नहीं निकालना आ रहा बच्चे हैं, तो उसके लिए जुगन क्या करना है पानी को गर्म कर लें और फ्रेश हल्दी, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं जुगन ये मार्केट में हर तरफ आपको जो है वो हल्दी नजर आना शुरू, फ्रेश हल्दी ले लें। अगर फ्रेश हल्दी नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकती हैं। ठीक है इसको अगर आप इस तरह से जो है वो पानी के अंदर डालें और खोलता हुआ, यानी कि इसकी जो स्टीम है वो जाया नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देचकी के अंदर इसको काट के डालें, ऊपर इसको ढक दें और उसके बाद जो है वो बच्चों को आप इस तरीके से गोद में बच्चों को जरा पकड़ लें एहतियात के साथ, और जो है वो टेबल पे आप देचकी को रख के और टॉवल के साथ कवर करके फिर आप ढक्कन को साइड पे करें, तो ये सांस के जरिए जो हल्दी की जो क्वालिटीज़ है जब इनहेल करेगा बच्चा तो जितनी भी कंजेशन है ये एक तो उसको खोलेगा और दूसरे नंबर पे कुछ लोगों का जो फ्लू है, जुकाम है, जुगन बाहर नहीं आ रहा, फंस ही जाता है अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो रेशा फंसा हुआ होता है, ऑलमोस्ट लाइक अ साइनस की वाली फीलिंग लेकिन एक्चुअली रेशा फंसा हुआ होता है, तो जुगन इसको आप जरा इनहेल करें, आप देखें कितना फ्रेश फील करेंगे।
एकदम से आप जो है आपका ब्रेन जो है वो एकदम से विद इन सेकेंड्स. तो ये बच्चों के लिए जो है वो जुगन ये रेमेडी. अब मेरी आजकल मुझे लोग कह रहे हैं तुम्हारी आंखें चढ़ी हुई हैं. हाँ जी मैं ठीक हूँ. वो बीच में कोविड भी हो गया, वो भी क्लियर हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन तबीयत सेट ही नहीं होने का नाम ले रही. ये आवाज में जो एक बैठी बैठी आवाज है, आंखें जो मेरी चढ़ी चढ़ी लग रही है. हाँ जी आई स्वेयर टू यू आई एम फाइन, बस ये वाला एरिया कुछ फंसा हुआ है. हाँ जी बिल्कुल इसी तरह. तो ये वाली स्टीम भी लें. हाँ. और दूसरे नंबर पे इसी के अंदर हनी डाल लें. अब मैं फ्रेश ना आपका अदरक एक पीस ले जाऊंगी घर करने के लिए. जी जी बिस्मिल्लाह. हाँ जी बिल्कुल जरूर. हाँ. इसी के अंदर स्टीम पहले ले ली, बाद में जुगन इसी के अंदर थोड़ी सी हनी ऐड कर दें. ठीक है आप पुदीने के पत्ते भी साथ थोड़े से इसी के अंदर स्टीम के टाइम जो है वो ऐड कर सकती हैं. ठीक है क्योंकि पुदीना भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स करता है. और इसकी भी जो क्वालिटी है नज़ला ज़ुकाम फ्लू के अंदर जो है वो पुदीने का जो कहवा भी है बहुत ज़बरदस्त रहता है. तो इसको फिर आप सीप ले ले के इसको बाद में जो है वो आप पी भी लें. तो मतलब जाहिर है क्योंकि हल्दी के तो इतनी अच्छी एंटीबायोटिक क्वालिटीज है. तो इसको आप इनहेल भी करें, इसको आप स्टीम भी इसकी लें और बाद में सीप लेते हुए इसका कहवा पी लें. बहुत ज़्यादा जुगन खांसी की वजह से बार बार जो है वो बलगम बाहर आ रहा है, रेशा आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग हो रही है आपके. तो हल्दी आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है. एक तो जो है वो आपको हील करेगी अंदर आपका जो भी जख्म वगैरह है. और बाय द वे मैं उस दिन उसे अदरक की जो नहीं हल्दी की जो है वो टर्मरिक कैप्सूल्स ले रही हूँ. उसे तो 100 गुना बेहतर है कि ये फ्रेश ले लें. फ्रेश जुगन फ्रेश की अपनी क्वालिटी और खासकर जो फ्रेश इसका पानी इसी के अंदर है, इसके जूसेस इसकी जो ड्राई होने के बाद आधी क्वालिटीज खत्म हो जाती हैं, वो क्वालिटी भी जो है वो फ्रेश आपके जो है वो हल्दी है इसके अंदर है. अच्छा अब इसका कलर इस किस्म का होना चाहिए, ऑरेंज कलर का. हाँ अच्छा व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप आपसे बाकी की टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे. आप हमारे साथ रहिएगा. नौकरी होता है ना माँ का गोद की तरह होता है, जिधर तुम सर रखता है आर दुख भूल जाता है. क्यों भाई ऐसा क्या चाह में सरकारी जॉब में? चारा मेन है सर, तनख्वाह टाइम पे मिलता है, छूटी चाहे जितना मर्जी करो, मेडिकल भी है और कोई निकालता भी नहीं. ओ दुनिया गोल गोल घूमे जैसे घूमे कोई पैया, सुई खड़ी टिक टिक भाग जागे कैसे किस्मत भैया, सूरज उगने की देर है फिर मुश्किलों का ढेर है. तुम सर्वर रूम में क्या कर रहे थे दोनों बोलो? रेहान एक उलझन है, ये कैसे कर लिया तुमने? कहानी बहुत लंबी है सर, आपके पास शायद इतना वक्त ना हो. रेहान वैसे वो तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी क्या प्रोजेक्ट है? यानी जलजले के आने से पहले ये सिस्टम बता देगा कि कितनी देर बाद जलजला आने वाला है? वेल टेक्निकली स्पीकिंग यस. मुट्ठी में भर ले ये जमीन, दिल पे बेकरारियों का रंग है चढ़ा, यारों का बन के कारवां है चला. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. जी हाँ छूले आसमान आज लॉन्च होने जा रही है, रिलीज होने वाली है. वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. आज नहीं इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हैं सारे? 25 फरवरी ले मैं 25 जनवरी की एक्साइटमेंट में बैठी हुई थी, तो ऐवे ही मैं जो सोच रही थी कि मैं पूछूंगी कि यार किधर जाके देख रहे हो तुम लोग, मैं भी साथ चलूंगी. यानी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी. बट हमने कहा आपको टीजर तो दे देना ताकि थोड़े से वो एक चूंडी काटते हैं हम आपको कि एक एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है. आप देख रहे हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की बात लगी फिल्म की, ऑफ कोर्स द कास्ट इज फैबुलस, एवरीथिंग एल्स इज फैबुलस, बट इसकी सिनेमाटोग्राफी कितनी खूबसूरत है, डीओपी ने कितना अच्छा काम किया है और कितना खूबसूरत डायरेक्टर ने काम किया है. इस्लामाबाद में भी शूट हुई है, लाहौर में भी शूट हुई है और कश्मीर में भी शूट हुई है. आइए मिलते हैं फिल्म से डिस्कशन करने से रिलेटेड जो लोग हमारे साथ आए हैं. सबसे वेलकम मिलते हैं फिल्म के हीरो से, हमारे साथ उस्मान राज है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. उस्मानी तुमने क्या किया कि तुम 25 जनवरी को आ गए 25 फरवरी की फिल्म की बात करने के लिए? तो मैंने कहा कि मतलब आज जाके सब मिलके फिल्म देखेंगे हम, हमें महीना टॉर्चर करोगे आप? मुझे पता था आप
मजाक करने की आदत है आपकी। हाँ जी। मुझे पता है आपने मजाक नहीं, मजाक नहीं किया, मैंने गलती की है, मैं मान लेती हूँ ऑनर, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ऑनर कार भी पकड़ लेती हूँ, ऐसी ऐसी ईगो प्रॉब्लम्स नहीं है, इंसान गलतियों का पुतला हो जाती है मिस्टेक। अच्छा मैं क्योंकि सिर्फ 25 देख रही थी और मैंने कहा कि यार चलो कुछ एक इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट आज हो जाएगी। हाँ, हाँ। और बड़ी ही ये अमेजिंग फिल्म है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी अभी डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये एक असल कहानी पे बेस्ड है व्यूअर्स, इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड असल वाकयात पे बेस्ड स्टोरी है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बट जब इतनी खूबसूरत सी सूफिया चौधरी हमारे साथ है तो उनको भी तो हेलो हाय कहना बड़ा जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम सूफिया। सूफिया इज अ मॉडल एंड अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एज वेल। साथ साथ हमारे हैं यरापा भी, हमने बिठा लिया साथ, हमने कहा चलो आपा आप भी आ जाओ, फिल्म की बात हो रही है, कभी आप भी घर से निकल आया करें। इनके बेटे ने पहले कल इनको नया मोबाइल फ़ोन दिया है, वेल डन बेटा, उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। देन वी हैव मोहम्मद अली नागी, ब्रिलियंट मॉडल एंड एन एक्टर ऑल्सो ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो। एंड अली हाशमी, जिन्होंने बड़े जतन किए फिल्म बनाने के लिए क्योंकि एसोसिएट डायरेक्टर जो है उनका कीमा ही निकल जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे बीइंग एन एसोसिएट डायरेक्टर आपने ऑन ग्राउंड भी सब कुछ देखना है, बैक एंड पे भी सारा कुछ देखना है, बिकॉज डायरेक्टर जो है वो सारी चीज़ें अपने एंड पे कर ही रहा होता है मैनेज, बट फॉर एन एसोसिएट डायरेक्टर सारी जिम्मेदारियाँ उस पर पड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, असल में एसोसिएट डायरेक्टर ही की जॉब होती है, जैसे कहते हैं ना वन मैन आर्मी, सेट के ऊपर वो जो है वो वन मैन आर्मी का रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर की जो जॉब होती है, प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु डायरेक्ट्स द डायरेक्टर and the associate the person who directs all the crew, all the crew, and also you are the right hand of the director and the left hand of the producer, obviously. to wo matlab har taraf se hi bande ka keema nikal jata hai. main isliye badi hairan hui ki sir aap full proper health mein aaye hain hamare paas, aapka keema nahi nikla hua. wo uski wajah ye hai ki main bahut purana jo hai wo kasai hu uspe ka, mashallah mashallah, to mujhe kaatna aata hai. aap kitne saal ho gaye boss, 20 plus years ho gaye na? yes आप हीरो को देखते हैं, हीरोइन को देखते हैं, आर्टिस्ट को देखते हैं और आप कहते हैं कि हाँ बस यही है। जितनी देर की आप फिल्म देखते हैं उससे कोई 100 गुना ज्यादा टाइम लगता है उसको शूट करने में, ऐसा ही उससे भी ज्यादा शायद। एक सीन कभी कभी अगर फंस जाए तो वो पूरा पूरा दिन, डेढ़ डेढ़ दो दो दिन भी लगा देता है। जो लंबे सीन्स होते हैं, जो कभी कभी चार चार पांच पांच मिनट के सीन होते हैं, वो तो कभी कभी तीन तीन दिन भी लगा देते हैं डिपेंडिंग। और ये डिपेंड, देखिए बात ये कि फिल्म और ड्रामा में डिफरेंस है ना। फिल्म के अंदर जैसे हम प्लान करते हैं शूट, तो फिर हम शॉट वाइज प्लान करते हैं कि आज हमने इतने शॉट्स लेने हैं, तो समटाइम वो जो सीन है बाज़ों का तो वो भी दो दो दिन ले लेता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो सीन तीन से, मतलब आई हैव सीन मूवीज जिनका, मतलब हॉलीवुड में तो कभी कभी ऐसी फिल्म्स भी बनी हुई हैं जिनमें टाइटैनिक टाइप, जिनमें एक एक सीन को डिफरेंट एंगल से शूट करते करते उनका ऐसा कीमा निकला कि 10-10 दिन 15-15 दिन लग गए। बिल्कुल। सो ये आसान काम नहीं होता। तो जब आप स्क्रीन पे कोई चीज़ देखते हैं व्यूअर, स्पेशली जब आप फिल्म की स्क्रीन देखते हैं, सिल्वर स्क्रीन को देखते हैं, तो याद रखिएगा उसमें बहुत, वो जो कहते हैं ना ब्लड स्वेट एंड टेयर्स जाते हैं लिटरली। एग्जैक्टली। ओके, मुझे स्टोरी के बारे में कौन बताएगा क्योंकि ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। आई कम टू यू, बट सबसे पहले सर जरा ये गाइड करें क्योंकि आपने अपने सारे आर्टिस्ट को जब ऑन बोर्ड करना था, गुफ्तगुएं की, बातचीत की, तो मुझे ये बताएं इस स्पेसिफिक मूवी छूले आसमान को बनाने का आइडिया, ये सारा कुछ किस तरह हुआ? छूले आसमान का बेसिकली आइडिया जी जो है वो है खावर मलिक साहब का, हमारे डायरेक्टर हैं, राइटर भी वही हैं, हसीब अजमल साहब इसके प्रोड्यूसर हैं, सुलेमान सनी साहब इसके प्रोड्यूसर हैं और ओज फिल्म ने ये फिल्म प्रोड्यूस की। बेसिकली आइडिया ये है कि वो रन ऑफ द मिल काम नहीं है हमने किया। हमने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर क्या, बल्कि दुनिया भर में मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल काम जो होता है वो इनिशिएटिव लेना होता है किसी भी चीज़। बट पहले फिल्म बनाने का जहन में आइडिया आया या पहले ये आइडिया आया कि यार ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इस पर फिल्म बनानी चाहिए? पहले तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ही आता है ना। अच्छा पहले मतलब पहले कॉन्सेप्ट आया, आमद हुई कि ये करना है और ये काम आपको पता है आप भी जमाने से काम कर रही हैं कि ये आमद ही का काम है। जब तक आपको आमद नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये सब की सब इस तरह से, मतलब अगर इसको किसी तरह से उसने लें तो ये एक इल्हामी कैफियत होती है कि आपके ऊपर एक आमद होती है, फिर आइडिया जनरेट होते हैं, आइडिया जब जनरेट होता है फिर उसकी एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में चले जाते हैं आप। तो ये फिल्म का जो है ये बेसिकली आइडिया जो है खावर मलिक साहब का है, राइटर भी हुई हैं, डायरेक्टर भी हुई हैं और उन्होंने ये जो आइडिया लिया, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हमने ये चीज़ फील की कि पाकिस्तानी जो सिनेमा स्क्रीन है उसको हमने ज़रा चेंज करना है, हम थोड़ा सा बिल्कुल एक डिफरेंट आइडिया के साथ
आए हैं जी, और ये जो आइडिया, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडिया है, और इस फिल्म की कास्ट मोस्टली तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो नए हैं। डायरेक्टर की भी ये पहली फिल्म है, प्रोड्यूसर की पहली फिल्म है, मतलब ये समझिए कि एक इनिशिएटिव है। अच्छा, बट व्हाट आई लव अबाउट इवन जस्ट द ट्रेलर इज कि अगर आप पूरा ट्रेलर देखें तो इट्स अबाउट 3 मिनट्स का ट्रेलर, और उसमें जिस किस्म के शॉट्स लिए गए लगता है कि आपने एक फीचर फिल्म बनाई है। बहुत से लोग जो ड्रामा से वाबस्ता रहे हैं बहुत ज़्यादा देर, उनका जो शूट करने का अंदाज़ है वो भी ड्रामा स्टाइल हो जाता है, तो जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आप ड्रामा ही सिल्वर स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया है। इसमें एक सिनेमैटिक इमेज नज़र आएगा। बिल्कुल, ओके, असल वाकयात पे बेस्ड है, आप इसका हिस्सा कैसे बने और कुछ इस फिल्म के बारे में बताएं। पहला तो कुछ कॉन्सेप्ट जो रह गया है वो मैं शेयर कर देता हूं। आवर मलिक और हसीब अजमल और सलमान सनी, ये तीन ऐसे लोग हैं जो चाय के खोके पर बैठते थे और डिस्कशन किया करते थे कि कभी हम भी फिल्म बनाएंगे। तो ये आइडिया वहाँ से जनरेट हुआ, इस पर 5 साल की मेहनत है। इट्स नॉट अ वन डे गेम, पहली तो बात ये है। दिन रात की कोशिशों काविशों के बाद फिर उन्होंने हीरो की तलाश शुरू कर दी। ये फिल्म नसीब दर नसीब दर नसीब आती चली गई, जिसके मुकद्दर में था वहाँ तक पहुँच गई। तो इसमें कुछ आप जानते हैं उस आदमी को जिसके नसीब में ये फिल्म आई? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। तो इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब ये मैंने मजाक जरूर किया, ये मैंने भांड नहीं मारा। उसमें ये था कि उनको चाहिए था एक ऐसा हीरो जो खुद भी पैशनेट हो, जिसके अंदर जज्बा हो, एनर्जी हो, जो एक स्ट्रगल करना जानता हो। लाइक हमारे यहाँ यूजली पीपल आर वेरी गुड, लेकिन उनमें होता क्या है कि जैसे हम कोई काम रोज़ करते हैं, जैसे आप रोज़ मॉर्निंग शो करते हैं तो आप यूज्ड टू हैं। आप कहेंगे यार ये उल्टे हाथ का सीधे हाथ का खेल है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसमें ऐसा हीरो नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था जो स्ट्रगल करे। अब वो आपकी स्ट्रगल क्या थी ये हम शेयर करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। दिल पे बेकरारियों का रंग है चढ़ा यार। क्या मज़े के पकौड़े हैं व्यूअर्स जो मैंने अभी किचन में खाए हैं। लेकिन एक बड़ी ज़रूरी चीज़ कि खाने पीने के बाद अपने मुंह को साफ़ सुथरा रखना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसकी वजह से हम आपको हमेशा रेकमेंड करते हैं कि कोलगेट स्पार्कल का इंतखाब ज़रूर करें, क्योंकि ये दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल कुछ ऐसे अज्जा हैं जो आपके दांतों को सेफ़ भी रखते हैं, प्रोटेक्टेड भी रखते हैं, आपके दांतों के दर्द को भी मैनेज कर देते हैं। इट्स एन ऑल राउंड परफेक्ट टूथपेस्ट, और उसके साथ साथ आपके दांत चमकते हुए सफ़ेद भी हो जाते हैं। अब फ्लोराइड जो है वो दांतों को मजबूती फराहम करता है और इन्हें कीड़ा लगने से या कैविटीज़ बनने से महफूज रखता है। फिर लौंग दांतों की तकलीफ और दर्द में आराम देता है, सांसों को भी महका देता है, और वो जो ठंडे गर्म की फीलिंग होती है उसको भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। और पर्ल पाउडर जो कोलगेट स्पार्कल में शामिल है, ये आपके दांतों को चमकाता है और सफ़ेद बना देता है। इन तीनों अज्जा के मिलाप से आपको मिलती है कोलगेट स्पार्कल, जो लाइक आई सेड आपके दांतों के लिए की हिफाजत के लिए एक मुकम्मल और बेहतरीन टूथपेस्ट है। अच्छा, दांतों के भरपूर तहफ़ तो कोलगेट स्पार्कल कर देता है, लेकिन उसके साथ रिकमेंडेड ये है कि एक दफ़ा कम अज़ कम साल में, यानी कि हर 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स गुजरे, एक दफ़ा आपने डेंटिस्ट से रुजू किया, फिर 6 महीने गुजरे, फिर आपने डेंटिस्ट से, दांतों के डॉक्टर से रुजू किया, ताकि कोई दांतों की प्रॉब्लम होने से पहले ही आपको पता चल जाए, ताकि आप उसको काउंटर कर लें। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि दांत में दर्द होती है, कोई इशू होता है, तो हम डिस्पेंसरी पर जाके कोई भी दवाई जो है वो फार्मासिस्ट से लेके आ जाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन, बल्कि एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन यही है कि प्रॉपर डेंटिस्ट से रुजू किया करें और देखा करें कि इशू क्या है और उसकी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोलगेट स्पार्कल का ये गिफ्ट हैम्पर आप जीतें, तो 03209463502 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं तस्वीर विद कोलगेट स्पार्कल। मैं पिछले कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि सिर्फ जो बच्चे बच्चे हैं ना, वो बच्चों की तस्वीरें माँ बाप खींच के भेज रहे हैं विद कोलगेट स्पार्कल, तो मतलब सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी
टूथपेस्ट का इस्तेमाल सबने करना है, कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सबने करना है। अगर आपके दांत महफूज होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, आप उनका प्रॉपर ख्याल रखेंगे तो ना तो कीड़े लगेंगे और ना ही आपको कोई दांतों से रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सो कोलगेट स्पार्कल का इंतखाब करें और 03209463502 पे हमें तस्वीर भेजें विद कोलगेट स्पार्कल एंड आप भी जीत सकते हैं ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। फ्राइडे को हम अनाउंस करेंगे विनर्स के नाम, सिर्फ एक नहीं एक से ज़्यादा विनर होंगे और तस्वीरें भी शेयर करेंगे जो हमारी फेवरेट्स होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे बातचीत करना, बल्कि वापस आएंगे गाना सुनते हुए। जब शेरी हमारे साथ हैं, इतने ब्रिलियंट हमारे साथ म्यूजिशियंस हैं, तो सॉन्ग सुनते हुए आएंगे और फिर जानेंगे कि हमारे फिल्म के जो हीरो हैं उनकी स्ट्रगल क्या थी, किन मरलों से उनको डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, एसोसिएट डायरेक्टर ने गुजारा। ब्रेक के बाद Karina. Sherry, awesome. Well done, well done.
अच्छा लाइव सॉन्ग उसी तरह जिस तरह लाइव परफॉर्मेंस की आपको आदत है, जान हम यही बात कर रहे थे अभी ब्रेक में कि मतलब थिएटर, रेडियो, टेलीविजन, इन सब चीजों के बाद फीचर फिल्म की तरफ आना, आपने कहा कुछ डेढ़ ब्रेक पहले कि उनको चाहिए था ऐसा आर्टिस्ट जिसको स्ट्रगल से डर नहीं लगता, तो थिएटर के आर्टिस्ट से ज्यादा किसने को स्ट्रगल की होती है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको काम मुश्किल से मिलता है, इसलिए क्योंकि उनका काम बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा, उसमें जो स्ट्रगल की बात है, हमारे लिए स्ट्रगल जो है ना, ये ऐसा लफ्ज नहीं है कि जो हमने कभी पहली दफा सुना हो या हम मुश्किल से घबराते हो, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो जितना मुश्किल काम आता है, बिलीव करें थिएटर में भी लाइव परफॉर्म करते वक्त अजोका के साथ, अच्छा हमारा एक ड्रामा था मंटो, आई वॉज प्लेइंग एज मंटो इन दैट। अब वो 2 घंटे 10 मिनट का ड्रामा है और 2 घंटे 10 मिनट मंटो ने स्टेज पर आना है और एंड पे उसने वापस मोनोलॉग्स लंबे लंबे उसके अंदर। अब आप सोचे 75 पेजेस आपने लोगों को सुनाने भी हैं, एक्ट भी करना है, हिफ्स करने हैं, तो अब आपको क्या डर लगेगा, फिर उसके बाद क्या डर रह जाता है। फिर मैंने मेडिकल पढ़ा था, इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर लेता था, और भी बहुत सारे काम थे जो सारे किए। तो स्क्रिप्ट देखकर मदिया आपा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो मुझे कहा करती थी कि ये जिन आर्टिस्ट है, इसको स्क्रिप्ट ना दिया करो, बस इसको दिखा दो तो बस काम कर लेगा। फिर आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी होगी तो इतना क्रेडिट आप खुद ना ले, ये फिर अल्लाह मियां का इशारा करम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम नहीं देंगे मेरे कोई क्रेडिट। तो वो उस हवाले से फिर ये था कि मैं थिएटर में रिहर्सल कर रहा था ड्रामे की, तो एक बंदा जिसको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ, उसका नाम है सुहेल शाह, वो हमारे रेडियो का मेरा लिसनर था और गाहे बगाहे वो गाना भी गाता है, तो वो मुझे देखता था तो उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती थी। वो मुझे कहते थे, मान भाई यार आपको फिल्मों में होना चाहिए, आप इतना अच्छा बोलते हैं, एक्ट करते हैं, फलां के, मैं ना आपका दुआ गो हूँ। माशाल्लाह, आप बिलीव करें कि उस बंदे को लोग हकीर समझते थे, लेकिन उसके अंदर जो वालेहाना मोहब्बत थी, मैं आज उसका नाम लेते हुए मुझे फख्र हो रहा है कि उसकी दुआ ने मुझे यहाँ पहुँचाया। उसको भेजा आपने ट्रेलर, फिर उसने क्या किया, उस बंदे ने पहली कॉल इस फिल्म के लिए मुझे की। ही वॉज इन अल्हम्ब्रा एट दैट टाइम और आई वॉज इन अजोका, आई वॉज रिहर्सिंग, और उसकी कॉल आई मुझे। मुझे कहता, उस्मान भाई आप कहाँ हैं, यहाँ कुछ लोग आए हैं फिल्म के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स और वो हीरो को तलाश कर रहे हैं। तो मैंने कहा उस्मान भाई को ले लें, तो मैं एक लम्हे के लिए हैरत में गुम हो गया। मैंने कहा यार बेचारा शरीफ सा आदमी है, क्यूट, यहाँ पे तो लोग रोज ही फिल्में बना रहे होते हैं, तो मैं ऐसी फिल्में नहीं बना सकता। तो मुझे धचका लगा कि हो सकता है गलत फहमी हो। अच्छा मैंने कान धरे उसकी बात पर थोड़ी देर के लिए, फिर मुझे एक और बंदे की कॉल आई, नदीम भाई उनका नाम है, तो वो बड़ी ऑथेंटिक कॉल थी, तो मैंने कहा लगता है कि कुछ है। मैं अल्हम्ब्रा पहुंच गया। अच्छा जब मैं वहां गया तो मुनीर राज साहब हमारे राइटर डायरेक्टर थिएटर के, ही वाज सिटिंग देयर, तो उन्होंने डायरेक्टर से, वो मेरी बातें ही कर रहे थे, तो जब मैं आया उन्होंने कहा जी ये आ गए हैं। अब वो मुझे देख कर एक टेबल पर हम बैठ गए, तो डायरेक्टर ने कहा यार हम आए थे, हमने मुनीर साहब से कहा कि हमें ऐसा हीरो चाहिए जो वर्सेटैलिटी में चला जाए, क्योंकि फिल्म में 3-4 चेहरे उसके दिखाए जाएंगे, कभी वो कुछ है कभी सारा कुछ नहीं, बताओ ना। अच्छा सॉरी क्या कर रहे हो, और फिर 25 फरवरी तक लोगों का और साय निकल जाएगा, त्रा निकल जाएगा। मैंने कहा फिर हाँ। फिर फिल्म बन गई छूले आसमान। Well done. अच्छा because एक हसीन चेहरा, हसीन चेहरों की बात हुई तो बार बार इधर 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 नजर ही नहीं टिक रही थी हमारी। तो ये बताइए आपने तो पूरी फिल्म देख ली है, ये देखे ना कुछ बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं मेरे जैसे होते हैं जो है 25 जनवरी की बात करके आते हैं, उनको कहते हैं चुप कर फरवरी में देखी। तो कुछ लोग हैं जो खुशकिस्मत है, आपको मौका मिला एक्चुअली देखने का, बीइंग एन आर्टिस्ट योरसेल्फ क्या कहोगे अबाउट द मूवी, आपने शुरू से एंड तक देखी है। एक्चुअली जब उस्मान ने मुझे मूवी का बताया था ना, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट इंस्पायर्ड एट ऑल, मुझे लगा था बस एमी शैमी जैसे, यू नो पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है, 20 बनती है तो एक कोई तुख्तमीज की शायद निकलती है, या समहाउ उसमें भी हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते ना, तो बस ऐसे ही हमारा एक इवेंट था, वी वर ट्रैवलिंग और एक ऐसा मौका मिल गया हमें कि हमें मूवी देखनी है, दैट वॉज नॉट आई थिंक फाइनलाइज फॉर्म, कुछ रॉ थी ना अभी क्या, तो उस्मान ने कहा कि वी नीड टू स्टे बाय और मूवी देखनी है, अब इज लाइक ओके देख लेते हैं क्या किया आपने,
ही वाज लाइक कि देख के पता नहीं क्या कहेगी ना, किसके कमेंट्स क्या होंगे एंड ऑल. एंड आई बिलीव करें कि जब मूवी स्टार्ट हुई और मेरी कॉन्सेंट्रेशन वॉज लाइक कि जैसे उसके फर्स्ट सीन पे थी ना, एंड तक इट वॉज लाइक मैंने इनसे बात नहीं की. हाउ ऑसम. इससे बेहतर एक ऑडियंस मेंबर का रिस्पॉन्स नहीं हो सकता. एंड शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और 2 घंटे 10 मिनट इन्होंने मेरे साथ बात नहीं की. अच्छा बोलती हैं यूजुअली फिल्मों के बीच में ये लोग वो होता है ना नॉर्मली जैसे होता है क्योंकि मैं तो ऑल थ्रू का मेरा अपना एक तबसरा चल रहा है. हां कि अच्छा है. अच्छा आई थिंक लड़कियों की प्रॉब्लम होती है यू नो क्योंकि हम काम देखने नहीं जाते, बेसिकली हम क्रिटिसाइज करने जाते हैं. और ये एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अमीक किस्म की बात होती है गहराई से मुताल्लिक, क्योंकि जब आप खुद आर्टिस्ट होते हैं तो आप खुद को फ्रेम इन कर लेते हैं ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी. हम थिएटर के लोग हैं, हम अगर किसी का थिएटर देखने चला जाएं, जाते तो हम एंटरटेन होने के लिए, लेकिन अगर वो लाइट नहीं ले रहा तो हमें वहां यार ये लाइट क्यों नहीं ले रहा, हां डायलॉग गलत कर रही है, मूड गलत कर रहा है, किधर जा रहा है यार, ठीक नहीं है, अच्छा ये डायलॉग की डिलीवरी थी, पॉज गलत ले लिया, वो स्ट्रेस इस लफ्ज पे नहीं, इस पे देना था सीट पे बैठ के ना. साथ वाला कहता है भाईजान बस करें, आप ड्रामा देखने हैं बस करें, इरिटेट ना करें. इरिटेट होता है तो वो चूंकि लर्निंग प्रोसेस होता है हर बंदे के लिए, इस फिल्म में भी हमें यही चीजें मिली हैं. ओके मिस्टर नागी, आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है. बड़े चुप चुप देख रहे हैं हम, अब इस साइड को 2 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, हम अब इस तरफ रुजू कर रहे हैं. मैं असल में चाह रहा था कि मैं ऑब्जर्व कर लूं, क्योंकि मुझे 2 घंटे 10 मिनट ऑब्जर्व ही करना है आपने. नहीं अभी मैं आपको बताता हूँ, मुझे इनकी बात करने से ना मुझे एक वाक्य याद आ गया जो कुछ दिन पहले का है. हम काम जा रहे थे और जो हमारे सिनेमा के जो साउंड सराउंडिंग किया जिन्होंने वो तौसीफ शेख साहब, उनकी कॉल आई कि यार आप किधर हो. तो हमने कहा बस रास्ते में है, आप पहुंच गए हैं. यस मैं तो आप लोगों का वेट कर रहा हूँ. तो हमारा रास्ता तकरीबन 15 मिनट का था और उस्मान को कहता है कि सर हम 6 मिनट में आ रहे हैं. 6 मिनट का यार 6 नहीं है, बस 6 से 15 मिनट में अभी बस आपके पास पहुंच रहे हैं. 6 से 15 मैंने मेरे पास फोन था कि मैंने 15 भी कह दिया और मैंने 6 भी कह दिया, बीच में कहीं पहुंच ही जाएंगे. मैंने स्टार्ट की थी बात के 6 मिनट में पहुंच रहे हैं. अच्छा मेरे हाथ में फोन था, आई वॉज लुकिंग एट हिम एंड ही सेड आंखों में. मैंने कहा शेख साहब हम 6 मिनट में, तो ये मुझे देख रहा था तो इसने कहा कि 6 मिनट नहीं टाइम. मैंने कहा हम 6 से 15 मिनट, ये मतलब वही जनवरी फरवरी वाली बात हो गई बाकायदा. इसीलिए उनको मेरे पे तरस आ गया कि हम एक ही बरादरी के. यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, माय बैकग्राउंड इज आल्सो थिएटर. बट खैर छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे और नैयर आपा को जो किचन में हमने पकने के लिए रख दिया है अब वो पक ही गई होंगी, उन पर भी झाती मारेंगे ब्रेक के बाद. दिल पे बेकरारियों का रंग है चढ़ा, यारों का बनके कारवां है चला, मुट्ठी में भर ले ये जमीन ये जमा, जिंदगी रवा दबा हो हौसले जवा, आसमां छू ले आसमां, आसमां
देखने के लिए छूले आसमान 25 फरवरी को रिलीजिंग ऑल ओवर पाकिस्तान. मैं अब किचन में जा रही हूँ. अब बताइएगा मिस्टर थिएटर स्टार कि ये एग्जिट सही था कि नहीं था. अच्छा नैयर आपा, हाँ जी, बहुत आपने खेल कूद लिया है. हाँ, अब आप बड़ी हो गई हैं. हाँ, अब थोड़ी तवज्जो दें. हाँ, थैंक यू. वो उसने पता नहीं क्या क्या पका पको, उनको भी दे दो पकौड़े जो मेरे मेहमान आए हैं. बिल्कुल, बस इसको मैं थोड़ा. हाँ, अच्छा बताइए. हाँ जी, इम्यून बूस्टर की बात हो रही है. जुगन देसी लहसुन, ठीक है. अगर ये आप खाली पेट जो है वो सुबह में कम से कम जो है वो 3 मंथ तो लाजमी जो है वो पूरे साल में अगर आप कंटिन्यू इसको लेते हैं. इसको लेने का तरीका कार ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो अरोमा होता है. तो उसमें यह है कि इसको छील के हल्का सा जो है वो आग पे इसको इस तरह से जो है वो रोस्ट कर ले, सॉफ्ट कर ले. हाँ जी, इसको इस तरह से हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाएगा. व्हाट अबाउट अगर अवन में बेक कर ले? आपने देखा है आजकल बहुत ज्यादा इन है कि आप अवन में डाल दें थोड़ी देर. हाँ, से थोड़ा सा उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के और वो जब एक दफा रोस्ट हो जाता है तो उसके गूदे को यूज कर ले. बिल्कुल बेस्ट है. ओवन में आप कर सकती हैं. छीलने से पहले आप इस तरह से हल्का सा जो है वो इसको गर्म कर ले, जिस तरह से आपको जो है वो इजी फील होता है. हाँ, तो इस तरह से इसको सॉफ्ट करने से ये होगा जुगन, इसका जो स्ट्रॉन्ग अरोमा है ना वो जो एकदम से खाने से जो है वो कई दफ़ा जो है वो मैदे में भी जो है वो कोई कंप्लेन करते हैं अक्सर लोग कैसे जाके जैसे चुभता है, तो इससे ये होगा कि ये जो है वो ईजी हो जाएगा खाना, प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बस हल्का सा ज़्यादा. हाँ जी, तो बस इसको आप जो है वो इसी तरह से जो है वो हल्का सा जो है वो इसको मैश कर लें और थोड़ा सा हनी डाल के. तो पहले आपने आधा ग्लास जो है वो पानी का लेना है, उसके बाद 3 से 4 और देसी लहसुन लेना है जुगन. तो इसको जो है वो हनी में मिक्स करके आप चम्मच पे रख के तो इसको निगल लें और ऊपर से फिर आप बाकी का आधा ग्लास पानी का पी लें और आधे घंटे तक नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करें. तो जुगन अगर 3 मंथ जिन लोगों को जो सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ या गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ एलर्जीज वगैरह के इशूज़ आ जाते हैं और गर्मियाँ स्टार्ट होते ही एक्नी शुरू हो जाती है, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और इस तरह की ठंड लगना, ये प्रॉब्लम हो रही होती, तो अगर ये आप लेना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको जो है वो मौसम की जो चेंजिंग है या ठंड लगना इस तरह के प्रॉब्लम और इशू नहीं होंगे. जो मेरे तीनों स्टार्स बैठे हुए ना, इनको खिलाती हूँ अभी मैं. तबीयत इनकी सब वो उस्मान की आंखें खुल गई हैं कि मेरे साथ ये होने क्या, ना फिक्र नहीं करो, नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे. शो के बाद खिलाएंगे ताकि बाद में तबीयत खराब हो. अच्छा तो अब क्या सिचुएशन है उसके बाद जुगन? आंवला, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है ये सब्जियों की दुकान पर जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है. इसका मुरब्बा भी जो है वो बनता है, इसका अचार भी बनता है और इसको खुश करके इसका जो है ये पाउडर भी जो है वो मार्केट में भी मिलता है, आप खुद से भी बना सकते हैं. right. तो इसका अगर आप पाउडर जो है वो बना के रख लेते हैं या किसी भी सूरत में मुरब्बे की या अचार की सूरत में, इसको भी अगर आप अपने डेली के खानों वगैरह के अंदर, डेली की अपनी जो है वो लाइफस्टाइल के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं तो इसके साथ भी आप देखेंगे कि आपकी कोई भी जो सीजनल जो है वो आप कह लें मौसम एलर्जीज वगैरह, जैसे बरसात के अंदर और तरह के मसले मसाइल हो रहे होते हैं, गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही और इश्यूज, सर्दी स्टार्ट होते साथ ही कुछ और जो है वो हेल्थ के इश्यूज हो रहे होते हैं, तो आंवला जो है वो रिच विटामिन सी है और ये आपकी फुल बॉडी को जो है वो डिटॉक्स करने के साथ साथ ये भी आपके जो है वो इम्यून को जो है वो बूस्ट करता है. अमेजिंग. तो दीज आर आवर टिप्स एंड ट्रिक्स. कुछ और भी आपने रखी हुई हैं चीज़? हाँ जी बिल्कुल जुगन. सूखा अदरक, ठीक है. ये जिस तरह से आजकल नज़ला, जुकाम और फ्लू हो रहा है हमारे घर में, इसको क्या बुलाते हैं हम? ये सोंठ. सोंठ, हाँ जी. हमारे घर तो खैर जुगन इसको फ्रेश अदरक कोई जो है वो ग्राइंड करके तो इसका पानी जो है वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है. तो क्योंकि आदत है, यूज टू है मेरी फैमिली, तो मोस्टली जो है वो लोगों को जो है वो आदत नहीं होती तो वो क्या करें कि जितनी जो है वो शक्कर है और उतना ही इसके अंदर सोंठ और थोड़ी सी अजवाइन. सपोज अगर 2 टेबलस्पून सूखा अदरक है, 2 टेबलस्पून आपने ब्राउन शुगर या शक्कर ली है, तो 1 चाय की चम्मच आप अजवाइन का जो है वो पाउडर ले लें. और ये लोग जो है वो ब्लड शुगर जो सॉरी जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो नहीं लें क्योंकि ये गर्म होता है. तो ये बेहतरीन जो है वो जुगन कफ सीरप है. Okay. इसको आप जो है वो 1 गरम नीम जो है वो पानी लें, आधी चाय की चम्मच ये वाला जो पाउडर बनाया हुआ है ये डालें और सीप ले लेके आप इसको पी लें. okay. आपको कोई भी कफ सिरप या एंटीबायोटिक वगैरह इस तरह की कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अमेजिंग, थैंक यू सो मच. आपा डन या डू वी हैव एनी अदर? वी डन. मतलब अब आपके साथ तो फिर टिप्स एंड ट्रिक्स कभी खत्म ही नहीं होती. जरा मैं पकौड़े ले जाऊं अपने प्यारे प्यारे से मेहमानों के लिए
गोभी के भी पकौड़े हैं, चिकन पकौड़े भी हैं, वी गॉट वेरियस डिफरेंट पकौड़ा. प्लीज नहीं जुगन, सारे दे दो प्लीज, सारे दे दो. हम ब्रेक की तरफ जाते हैं जब तक उस्मान अपनी कुछ पेट पूजा करते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. दिल पे बेकरारियों का रंग है चढ़ा, यारों का बन के कारवा है चला. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. अब बात करते हैं हेयर रिमूवल की. अगर आपको एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम चाहिए जो आपके गैर ज़रूरी अनवांटेड हेयर को फ़ौरन से पहले यानी कि 3 से 6 मिनट के अंदर अंदर रिमूव कर देगी, जिसकी बहुत ही अच्छी प्यारी सी फ्लोरल फ्रेग्रेंस भी है और दोनों क्रीम एंड लोशन फॉर्म में अवेलेबल है, तो फिर आपको एन फ्रेंच का इंतखाब करना चाहिए. क्योंकि जब आप एन फ्रेंच का इस्तेमाल करेंगे तो बाय बाय सैलॉन और हेलो एन फ्रेंच हो जाएगा. इसलिए क्योंकि आपको ना तो सैलॉन जाने की ज़रूरत पड़ती है और आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जब आप सैलॉन जाते हैं, पार्लर जाते हैं, वहाँ पे जब हेयर रिमूवल के ऑप्शंस का इंतखाब करते हैं, स्पेशली वैक्सिंग वगैरह, तो उससे दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है. थ्रेडिंग हो, वैक्सिंग हो, इस किस्म के जो ऑप्शंस होते हैं, एक तो दर्द भी बहुत होती है और उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और यू नो पेनफुल हो जाता है वो पूरा एलिमेंट. सो अगर आप एन फ्रेंच का इंतखाब करेंगे तो विद इन 5 मिनट्स आपके बाल भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन पहले से 2 गुना ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएगी. अब इसके पीछे क्या साइंस है या जो हम देसी स्टाइल में कहते हैं साइंस है, तो वो ये साइंस है कि इसके अंदर बेबी ऑयल और मॉइस्चराइजर्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं. तो जब हेयर रिमूवल हो जाता है तो स्किन भी आपकी 2 गुना ज़्यादा पहले से सॉफ्ट हो जाती है. अगर आप ये गिफ्ट हैम्पर जीना चाहते हैं एन फ्रेंच की तरफ से, तो 03209463502 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एक वीडियो बना के. वीडियो क्या है आइए देखते हैं. With new and French, iske baby oils or moisturizers banaye skin 2 times softer and smooth. Wow, kaun sa salon? Bye bye salon, hello and French. Ji haan, bye bye salon, hello and French. To hoga ye. कि इस किस्म की, अब ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल की वीडियो बनाएं, ये तो हमारा प्रॉपर कमर्शियल है, एडवर्टाइजमेंट है. हम ये नहीं कह रहे हैं आप लाखों रुपए खर्च करके इस तरह की वीडियो बनाएं, बट ये वीडियो जिसमें आपने ये टैग लाइन ज़रूर बोलनी है कि बाय बाय सैलॉन, हेलो एन फ्रेंच, और एन फ्रेंच हाथ में हो, या मतलब बस अभी आप पे डिपेंड करता है कि 20 सेकंड तक की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें और आप भी जीत सकते हैं एन फ्रेंच की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर. चले चलते हैं अपनी अमेजिंग सी कास्ट की तरफ. शेरी साहब एज यूजुअल घूम फिर रहे हैं. अब उन्होंने वैसे भी हमारा टाइटल सॉन्ग सीख लिया है झूले आसमान का, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. और ये उस्मान की 30 से 25 सेकंड की काविश थी जिसमें वो सीख गए. अच्छा जुगिन, एक क्रेडिट जरूर सारे लोग प्लीज यार, आपने बहुत अच्छा गाया और नो डाउट इतने कम टाइम में अंडरस्टैंड करना फिर उसको गाना, ये क्रेडिट गोज टू देम. अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मुझे इस बात पर हैरानगी होती है कि शेरी इस वक्त हमारे मुल्क का टॉप आर्टिस्ट, मतलब मेरे ख्याल से तो हमारे मुल्क का टॉप आर्टिस्ट है ही ऑलरेडी मेरी नज़रों में, लेकिन मुझे हैरत होती है कि अभी तक ये, वो जो कहते हैं ना कि वो जो एक फेम का लेवल होता है और लोग इसको और मजीद और क्यों नहीं जानते, वही वाली बात जो आपको आपके वो थिएटर के फ्रेंड ने कही थी, जो आपके फ़ैन है जिन्होंने कहा था कि जो अभी आपने शेयर की हमारे साथ स्टोरी के, आप फिल्मों में क्यों नहीं काम कर रहे, कि वो वाला एलिमेंट होता है कि एक मोमेंट होता है, एक लम्हा होता है ऑफ डिस्कवरी. और खैर डिस्कवर तो आप ऑलरेडी थे, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ वो जो कहते हैं ना रन ऑफ द मिल, वही जो 6-8 चेहरे हैं उन्हीं को लोग बार बार स्क्रीन पे ला रहे होते हैं. और फिर वही वाली प्रॉब्लम है सर जो आप कह रहे थे, नखरे भी बहुत होते हैं, एटीट्यूड भी होता है और स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं होते. बात ये ना कि वो जो रन ऑफ द मिल जो आप बात कर रही हैं कि वो जो एक जमूत का शिकार आप हो जाते हैं ना, कि बार बार स्क्वाश कोर्ट की तरह से वहीं पर बाल को खेल रहे हैं, वहीं पर मार रहे हैं, वहीं पर. तो झूले आसमान मेरा ख्याल है कि ये एक माइलस्टोन होगा उन लोगों के लिए, या जो एक वे आउट है कि जो इनिशिएटिव लेंगे, नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, नए लोग आ रहे हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं. क्योंकि देखिए हमारे यहाँ आइडियाज फिल्म के लिए जो नए लोग हैं, बिकॉज जो आर्टिस्ट हैं वो तो ऑब्वियसली, आई मीन ही इज अ मंजा, वो आर्टिस्ट, इनका प्रॉब्ली ज्यादा एक्सपीरियंस है जो हमारे इस वक्त सिल्वर स्क्रीन पे लोग आ रहे हैं उनसे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है फिल्म के लोग. और फिर दूसरी जो सबसे अहम बात है कि इसका जो मौजू है वो एक बिल्कुल अछूता मौजू है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पाकिस्तान में आइडियाज जो हैं उनको एग्जीक्यूट करने का इनिशिएटिव नहीं लोग लेते हैं, और हमारे यहाँ, और हमने ये कदम उठाया है.
अब देखें। ओके, कैन वी टॉक अबाउट द स्टोरी लाइन प्लीज, जो आपने छपा के अपनी बोझी में रखी हुई है तब से। और फिर छूले आसमान बन गई। जबरदस्ती से पकौड़ा खिला दिया, मैंने कहा मतलब मुंह मीठा करता है, मुंह नमकीन करता है, क्या कर रहे हो तुम? चेंज, आज तक मीठा करते हैं मुंह आप। अब ना अपनी फिल्म के प्रीमियर पे भी ना सबको पकौड़े खिलाना, तुमने नहीं खिलाए ना पकौड़े, मैं खिलाऊ प्रॉमिस। और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उधर ही मारना शुरू कर दूंगी अगर कुछ मीठा वहाँ पे। बिल्कुल उसी जगह पे, बिल्कुल उसी जगह पे ना। बड़ा ना। अच्छा अच्छा भाईजान, इसमें ये है कि इसकी स्टोरी जो है उसमें आपको एक थ्रिल तो मिलेगा ही, लेकिन ये एक स्ट्रगल है बुनियादी तौर पर, एक इनोवेटिव आइडिया है अर्थक्वेक के ऊपर। थीम इसका 2005 का जो जलजला आया था 8 अक्टूबर को, उस पर बेस करता है। किस तरह जलजले में लोगों से जुदा हो जाते हैं, हंसते भंसते घर जो है वो एक लम्हे में उजड़ जाते हैं, और जो लोग बाकी बच जाते हैं वो सारी जिंदगी किस तरह उन्हीं लम्हात को सोचते हैं, वो फील करते हैं, रातों को उठ उठ कर रोते हैं अपने प्यारों के लिए। और हम जो लोग हैं, हम सब कुछ होने के बावजूद, अभी साने हैं मरी आपने देखा है, ठीक है, आप उसको भी रिलेट कर सकते। हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं, हमने उन पर कभी कान नहीं धरे। हमें लगता है फिल्म सिर्फ किसी का फौजी मार दो, अपना फौजी मरवा लो, ये फिल्म होती है, ये लड़की बगा लो, या वो लड़की बगा लो, या ये लड़की बगा लो, फिल्म यही है। ऐसा नहीं है भाई, एंटरटेन जरूर करें लोगों को आप, लेकिन थोड़ी सी मोटिवेशन की भी जरूरत है, थोड़ा सा जज्बा भी हमने भरना है, थोड़ा सा पॉज भी हमने लेना है, थोड़ा सा हमने दूसरे को भी सुनना है, तो फिर हमने आगे भी तो जाना है, क्योंकि छूले आसमान बन गई। अच्छा, और इसी तरीके से उसमें ये था, मैं तुमसे ये पूछने लगी थी उस्मान बदतमीज, कि मुझे ये बताओ कि कास्ट, मजीद कास्ट के बारे में, क्योंकि ब्रेक में इसने मुझे 4 दफा कहा है जो लोग हमारे साथ नहीं बैठे उनका नाम लेना है तुमने, जो उनका नाम बता के छोड़ूंगा, बार बार कहे मैंने, कहा यार बात करेंगे नहीं, उनको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, इन दो देखें स्यापा डाला हुआ था इन दोनों ने, अब बोल दो जुगन। अब ये बात थी जो मैं ऑन एयर करना चाहता हूँ, जैसे हमारे मुल्क में क्रेडिट नहीं मिलते, हम लोगों के मरने का वेट करते हैं, उनकी कब्र पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, जो उनमें नहीं होता वो भी डाल देते हैं। ये इतना बड़ा सिंगर था यार, ओ ये इतना बड़ा एक्टर था यार, इतना वर्सेटाइल था यार। नहीं हो रही, वो बेचारा परेशान हो रहा, तुम्हारी बात नहीं हो रही, उसने सिर्फ सुना कबर और सिंगर, और वो मुझे देख रहा, मैंने कहा मेरा बेटा नहीं, अल्लाह मेरी भी जिंदगी तो चला गया मेरा बच्चा, दोनों चीजों में कितना डर आपको लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बहरहाल जोक्स अपार्ट, उसमें क्या है कि हम क्रेडिट्स नहीं देते लोगों को, तो मैं, मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये होती है कि आपकी तामीर में जो भी शामिल है फ्रॉम द डे फर्स्ट, आप उसको क्रेडिट दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए वसीला बनाया है, बहुत से लोग वसीला बने हैं, तो मुझे खुशी होगी कि अगर उनके नाम सब लोगों को पता है। ये फिल्म सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की है, ये मेरी यूथ की फिल्म है, ये हर उस शख्स की कहानी है जो ज़मीन से उठ कर आसमान को छूना चाहता है। बिल्कुल, वो लोग सर आपने तो सबको भुगता है, सबके नाम सबको भुगता है, अभी भी भुगत रहा हूँ। तो उस्मान राज है, क्यों दिया उन्होंने? जी जी उस्मान राज तो हैं, बार बार कह रहे हैं। ज़ारा अहमद है हीरोइन फिल्म की, अली नागी साहब हैं, हसन मलिक हैं, तौकीर जैदी हैं, मुबशर मलिक साहब हैं, राहिला आगा साहिबा हैं, बिल्कुल अंजुम हबीबी साहब हैं, और बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम, खालिद मुईन भट्ट साहब हैं, खालिद मुईन भट्ट साहब हैं, सद्दाम उल हक हैं, सुलेमान सनी हैं, अली इमरान जैदी हैं, असद अब्बास हैं, अंजुम मलिक हैं, अंजुम मलिक। हाँ जी, इसका म्यूजिक जो दिया है वो है शहरी खान और जीशान जैनी, जिन्होंने गाने गाए हैं, ठीक है, शहरी खान आपसे मिलते जुलते हैं। अच्छा ओके, तो और इसकी जो प्रोडक्शन डिज़ाइन की है वो हसीब अजमल साहब हैं, राइटर इसके और डायरेक्टर इसके खावर मलिक हैं, ऑज प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया है, ऑज फिल्म्स ने, और सुलेमान सनी साहब ने भी सनी ने इसमें लाइन प्रोड्यूसर के तौर पर भी और एक्ट भी किया है, अभी आपने ट्रेलर में देखा भी उनको, मोटे से जो प्यारे से मोटे से पठान बने हुए हैं ना, नहीं लिया। और अगर देखिए किसी ने एक सेकंड के भी उसमें अपीयरेंस दिया ना फिल्म में,
इवन वो जो बिल्डिंग्स हैं, जो आप व्यूज देख रहे हैं, उनका भी, उनको भी क्रेडिट जाते हैं, ये देख ले हमने फोटो लगा दिए, तो खुश हो जा पाए। सो उस्मान राज, अजारा अहमद, रहीला आगा साहिबा, अंजुम हबीबी, मुबशर मलिक, खालिद मोइन भट्ट, सदाम उल हक, सुलेमान सनी, हसन मलिक अली नागी, तौकीर जैदी, अली इमरान जैदी, असद अब्बास, अंजुम मलिक। यस, और एक और क्रेडिट इस फिल्म को जाता है, इसकी जो सराउंड साउंड है उसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पहली बार लाया है, और वो लाया है जो शख्स, उसका नाम है तौसीफ शेख। वाओ, ओके, ये सारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, इसमें बाहर की कोई चीज शामिल नहीं है। एक्चुअली सिर्फ आर्टिस्ट डाल देते हैं, पाकिस्तानी डीओपी भी बाहर से आ जाता है, हर बंदा बाहर से बुला लेते हैं, और एंड में कह देते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म है, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट। जी जी जी, और डीओपीज यहां पे खड़े हुए हैं, और इसके जो डीओपी हैं वो हैं अंजुम इकबाल और नजीब मेखन, उनका नाम भी जरूरी है। मैंने शुरू में इसीलिए कहा सिनेमेटोग्राफी एंड डीओपीज को बहुत क्रेडिट जाता है, वेरी सीजनड, वेरी प्रोफेशनल पीपल। सर आपसे ज्यादा सीजनड कौन है, आप तो 20 साल से ज्यादा से पक रहे हैं। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एंड में ये बात करनी बहुत जरूरी है, खाने की बात नहीं होगी। अच्छा जुगन, मुनीरा मत देखो मेरी तरफ, खाने की बात नहीं होगी। जब हम वापस आएंगे तो एक सरप्राइज आपके लिए भी है मेरे पास, ब्रेक के बाद। रबर वाटर कूलर मेरा हुआ, ब्रेक के बाद। दिल पे बेकरारियों का रंग है, सर्द की सुबह जैसी, सूरज की किरणों जैसी, तू मुस्कुराए जालिमा, है जैसे बादल, ओ अप्सराए आसमान, कुछ पता ही ना चला। क्या गाना है, मैंने गाया है, नहीं ये क्या गाना है, ये गाना है लेकिन ये फिल्म का गाना है। हाँ। ये भी झूले आसमान का गाना है, बहुत ही अमेजिंग साउंड ट्रैक है। आपने व्यूअर्स वैसे नोटिस किया कि आजकल मूवीज में साउंड ट्रैक पर फोकस नहीं करता, झूले आसमान में आपको एक अमेजिंग साउंड ट्रैक भी मिलता है, व्हिच इज ऑसम। आपने सरप्राइज देना था कोई हवनक सा, तो मैंने आपको एक सरप्राइज ये देना था कि आप जब कनाडा से वापस आई थी तो आपने पहला जो सीरियल किया था जिसका नाम सितम था, अगर आपको याद हो, जो सितम आपने पाकिस्तान में आके किया था उसमें आपके एसोसिएट डायरेक्टर भी थे कोई, जी, जिनका नाम सैयद मोहसिन शाह था जी। ओ भाई थे ने। ओ! सर आपकी तो इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इतने दो क्यूट क्यूट से। और मैं एक बात बताऊं उस ड्रामे का, सलाम अलैकुम सर, ओहो हाथ लगाते। सितम ड्रामे पे मेरा बेटा हमजा जो है वो सिर्फ 2 माह का था, और मैं सेट पे लेके आती थी, और हाथ पकड़ने का और अप्रिशिएट करने का रीज़न ये है कि उस वक्त जिन लोगों के साथ भी मैंने ड्रामों में एक्टिंग की के लिए काम किया, उन लोगों ने मेरी बहुत सपोर्ट की, बिकॉज एज अ सिंगल मदर 2 महीने का बच्चा आपकी गोद में हो, 4 महीने का बच्चा गोद में हो, और आप सेट्स पे जा रहे हो और काम कर रहे हो, आपको रूम देना कि आप अपने बच्चे को फीड करा सकें, ये सारी चीज़ें करा सकें, ये मैं हमेशा ऑनर इसलिए ऑन करती हूँ क्योंकि लोग कहते हैं सिंगल मदर्स के लिए इस दुनिया में काम करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री में उसमें काम करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा पाजी, तो एक क्रेडिट मेरी तरफ से नहीं, मैंने आपको कोई क्रेडिट नहीं पहनता, मैं रोल लगा, कितना क्रेडिट ले रहे हैं। पहले क्रेडिट ये है कि जिस तरह आपको इन्होंने सपोर्ट किया इस वक्त इस फिल्म को, छूले आसमान को प्रमोट करने में, ये सफे अव्वल में है। अपने कपड़ों का बता दो, तुमने बताया किसने तुम्हें, मेरे कपड़े, कपड़े भी अपने नहीं पहनता, मेरे कपड़े भी अपने नहीं। आपको पता है थिएटर में हमें कपड़ों की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिल्म में आने के लिए ये क्या यार जुमला वो नहीं है जो तुम समझे हो, हम थोड़े से शरीफ लोग हैं सर, हम यहाँ आ जाते हैं, आप भी चलो इधर आ जाओ, इन दोनों को उधर ही छोड़ दो, ये हमारी बरादरी है, आप उधर जो कपड़े नहीं, जो अपने कपड़े, मैं अपने हीरो को देखना चाहता हूँ, तो ये गैस ब्रांड वाले जो है जनाब, उन्होंने कपड़े हमें, गैस ब्रांड, हाँ जी ए एस गैस, अच्छा गैस, गैस नहीं गैस, ठीक है गैस ब्रांड, नॉर्दर्न ब्रांड, वो भी जो है वो भी सैलून, उन्होंने हमें बाल शाल बनाने में हमारी मदद, मैं भी कहूँ कि ऐसे कैसे हो गए, हम तो असल सूरत जानते हैं। अच्छा ठीक है, इस सीना को तो खैर किसी चीज की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच आप सबका हमें ज्वाइन करने का। मनीर जी, जी। भाईजान खाना रेडीज, अच्छा पकौड़े तो हमने खिला ही दिए,
और फिर उनको वहीं पे छोड़ दिया अपने गेस्ट के पास। अच्छा जी, बाकी आप सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत अच्छा गाया, साहब आपने हमें बुलाया और आखिरी शेर मैंने सुनाया वो पाकिस्तान के नाम लगाया। हो गया नहीं, हम वेट कर रहे थे कि उस वक्त भी कहा अगर बोलने दिया करो, मैं वेट करती हूँ बोलने का, तो उसके पास कुछ कहता नहीं है। सर ये बंदा ही ठीक नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। सोज शमा में नहीं है, सोज परवाने में है, वसल में लज्जत नहीं, लज्जत बिछड़ जाने में है, पा ही लेता है वो आखिर मंजिल मकसूद को, इंतहा दीवानगी की जिस भी दीवाने में है, ये छूले आसमान ये है। इसी नोट पे अब आपको कुछ सुनाते हुए हम क्लोज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए प्लीज। तुम्हारा एक ये ही चेहरा